उसी तरह की आज शुरुआत करते हैं। मित्रों नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे टोटली जो पारो एक्सचेंज के बारे में कि पारो एक्सचेंज क्या है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग है, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। इस एक्सचेंज का जो नाम है वो है www.paroexchange.com। ये जो paroexchange.com है ये यूके में रजिस्टर्ड है और यूके में डिजिटल असेट्स और क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल स्टेटस में आती है, इसलिए हमने पारो एक्सचेंज को यूके में रजिस्टर्ड करा है और पूरा ग्लोबली ये वर्क करता है। अब ग्लोबली वर्किंग के लिए हमने क्या प्लानिंग किया है कि फॉर एग्जांपल जैसा आप जानते हैं कि हम कुछ नया नया करते हैं हर बार, और ये भी इसमें भी वही नया है कि पारो एक्सचेंज को हमने जीडीएस बनाया है। जीडीएस क्या है, ये जीडीएस क्या है, जो पारो एक्सचेंज का जीडीएस है, हम जीडीएस को बोलते हैं, जीडीएस को बोलते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, बेसिकली बहुत समझने ऐसी चीज है, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल एयरलाइन है। अब वर्ल्ड की जितनी भी एयरलाइंस होती हैं वो एक मैकेनिज्म से जुड़ी होती हैं, एक सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती हैं, जिससे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी की उसमें ऑर्डर बुक होता है, सेल बुक और परचेज बुक, उसी तरीके से एयरलाइन के अंदर भी एयरलाइंस जो होती हैं वो एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होती हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है सबको इन्वेंट्री मैनेज कराता है कि किस में कितनी सीट बाकी है, क्या रेट चल रहे हैं और कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें होगा क्या कि जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल बिनांस है, हिट बीटीसी है, बिटरेक्स है, और जितने भी मतलब जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, उन सब की एपीआई जो है वो हमारे इस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्टेड होगी। अब किस तरीके से ये वर्क करेगा कि हम इसको आर्बिट्रेट बोलते हैं। आज जब लोग ट्रेडिंग करते हैं, सबको ट्रेडिंग करता है या नहीं करता है, कौन करता है? अच्छा, आप ट्रेडिंग करते हैं। तो आर्बिट्रेट जो होता है कि हमने फॉर एग्जांपल एटीसी है, अब ये एटीसी ट्रेड सतोशी के अंदर फॉर एग्जांपल 300 सतोशी का है और वही पारो के अंदर 320 सतोशी का है, तो आप क्या करेंगे, टीएस से परचेज करेंगे, पारो में सेल कर देंगे। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेट। एक तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज हो गया और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो पारो के अंदर भी वही चीज हो जाती है कि सस्ते में लिया और महंगे में बेच दिया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। उसी तरीके से इसके अंदर है कि आर्बिट्रेट आप एक्सचेंज टू एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे भी स्टॉक रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्टॉक रखना पड़ेगा प्रॉफिट बनाने के लिए। जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा है, इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 जो बड़े एक्सचेंज हैं, उनकी इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री मीन्स उनकी बाय बुक और सेल बुक होगी। बाय बुक और सेल बुक, अब ये बाय बुक और सेल बुक जो है वो एपीआई के थ्रू वहां पे आएंगे। अब आप लोग आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्या किया है कि आपको आर्बिट्रेट करना है। अब आपको परचेज करना है फॉर एग्जांपल
बेनाइन से और सेल करना है पोलोनिक्स में, और आप 5 या 6 एक्सचेंज का जब आर्बिट्रेट करते हैं तो आपको 5 से 6 एक्सचेंजों में अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, आप पारो में एक अकाउंट ओपन करो, पारो में एक अकाउंट ओपन करो, आपको 6 से 7 एक्सचेंजों का सेल परचेज आपको यही मिल जाएगा, ठीक है? मतलब 6 से 7 एक्सचेंजों का सेल परचेज आपको यही मिल जाएगा। अब ये वर्किंग कैसे होगा? वर्किंग होगा कि फॉर एग्जांपल पारो एक्सचेंज के अंदर आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपना बीटीसी वहां पर डिपॉजिट कर दिया, अब आपको आर्बिट्रेज करना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले, जरूरी नहीं है आप एटीसी करें, आप बीटीसी यूएसडी करें, बीटीसी इथेरियम करें, या दूसरा भी कोई कॉइन है जो भी आपका पॉपुलर कॉइन है उसका भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास बीटीसी आ गया, आने के बाद में दो चीज होती है ट्रेडिंग में, सेल और परचेज। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज सेल करनी है तो आप तभी सेल करेंगे जब आपने परचेज की होगी। अब आपने कहां से परचेज की है, बाई कहां से की है? बाई और सेल, बाई और सेल दो पार्ट से आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये सारी इन्वेंट्री, ये फॉर एग्जांपल सेल वाला पार्ट है, ये बाई वाला पार्ट है। मैं उदाहरण देता हूं कि 399 सतोशी का मान लो एटीसी है, ये एटीसी का पेयर है, यहाँ पे 399 सतोशी चल रहा है, यहाँ 398 चल रहा है, बाइंग ऑर्डर जो है यहाँ 397 चल रहा है, यहाँ 396 चल रहा है, यहाँ 395 चल रहा है, यहाँ 394 चल रहा है, यहाँ 393 चल रहा है, ठीक है जी। अब 393 पे बाई करने वाले 20,000 पॉइंट्स का ऑर्डर है। अब ये 20,000 पॉइंट्स का ऑर्डर मल्टीपल पब्लिक ने, लोगों ने, कस्टमर्स ने यहाँ पे ऑर्डर डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40,000 का है, फॉर एग्जांपल यहाँ 13,000 का है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 का है, यहाँ 50,000 का है, इसी तरीके से ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब ये 20,000 का जो ऑर्डर पड़ा हुआ है 399 में एटीसी में, अब ये कहां से आ रहा है? ये जो ये एक्सचेंज है, पारो एक्सचेंज है, इनके कस्टमर ने भी वहां पे ऑर्डर डाले हुए हैं, और अदर एक्सचेंजों में जो हमारी एपीआई लगी हुई है वहां की भी डिमांड यहाँ पे आ रही है कि फॉर एग्जांपल ट्रेड सतोशी में 399 में बाई करने वाले 50 लोग हैं, उनके भी ऑर्डर यहाँ पे आ गए। अब फॉर एग्जांपल ये 20,000 का ऑर्डर यहाँ पे जो है पारो के अंदर जो ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है, बाई करने के लिए 20,000 पॉइंट अवेलेबल है, बायर्स 20,000 पॉइंट का, हो सकता है टीएस से 10,000 आ रहे हैं, स्टैक से मान लीजिएगा 5,000 लोग आ रहे हैं, 5,000 पॉइंट, और पारो के खुद के 2,000 का ऑर्डर है, इसी तरीके से बाई बीटीसी से 1,000 का ऑर्डर है, मीन्स ये 20,000 हो गए, और ये सारी ऑर्डर बुक यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन ये कस्टमर्स को नहीं दिखाई देगी ये ऑर्डर आया कहाँ से, ये कस्टमर को नहीं दिखाई देगी। कस्टमर को ऑप्शन मिलेंगे कि बायर इतने हैं। आज क्या होता है आप देखेंगे, आज की पोजीशन क्या हो रही है कि बायर ही नहीं है, कम बायर, मैं तो सिर्फ एटीसी की बात कर रहा हूं। उसी की तरीके से मल्टीपल कॉइंस का सेम चीज होगा कि बायर्स जो है वो यहां से आ रहे हैं, और उसी तरीके से सेम चीज इधर आप यहाँ पे आ गई 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406। अब 400 सतोशी पे एटीसी खरीदने वाले बेचने वाले कितने लोग हैं? मान लो 15,000। अब ये 15,000 जो एटीसी बेचने वाले हैं ये कहाँ से आए? पारो का मान लीजिएगा 2,000 कॉइन, टीएस का मान लीजिएगा 25, 15,000, 12,000, 10,000 पॉइंट है,
बाइक भी किसी का मान लीजिएगा 1000 कॉइन है, इस तरीके से 15000 कॉइन यहाँ पे हो गए। सेम चीज 401 के लिए हर चीज के लिए एक एप्लीकेबल हो जाएगी, ये कॉइन कहां से सेल के लिए आ रहा है। अब इसमें हम आपको नहीं बताएंगे, हमारी ऑर्डर बुक को मजबूत कर रहे हैं, ये चीज हमारी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। सेटलमेंट हम करेंगे, लेवेज हम करेंगे, हमारे अकाउंट सेटलमेंट होगा। जो हमारा मेन अकाउंट है मान लो TS के साथ में, ByteBT के साथ में, Bittrex के साथ में हमारा अकाउंट सेटल होगा, आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। मीन्स मैं कहाँ से लाके आपको शेयर करता हूँ, ये पारो देखेगी इस चीज को। तो ये शायद पहला एक ऐसा GDS बनेगा जिसमें मल्टीपल APIs यहाँ पे कनेक्टेड होंगी और पूरा सेटअप होगा। मार्जिन ट्रेडिंग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं है, FIDO चालू करेंगे इसके अंदर। और सेकेंडली सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहीं पे जो मार्जिन ट्रेडिंग होगी हम फाइनेंस भी करेंगे, हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी करेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने एक्सचेंज के अंदर देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है आपका, सॉरी रतन भाई है, अब रतन भाई है, अब इनके पास में एक कॉइन है जो मार्केट में कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, अब इनके पास वो कॉइन आ गया है। ऐसी स्थिति में ये अपने कॉइन को सेल करने के लिए हमारे एक्सचेंज में रख देंगे, किसी मेरे पास में XYZ कंपनी उसका टोकन के से वो है कॉइन है, लेकिन वो कहीं पे लिस्टेड नहीं है, बट मेरे पास ये अवेलेबल है, अब कहाँ बेचूं। तो आप अपने कॉइन यहाँ पर रख सकते हैं, रखने के बाद जिसको भी जरूरत है वो वहाँ पर बाई कर लेगा, मतलब वहाँ पे उस कॉइन को लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम रिटेल सेल से आपने रख दिया वहाँ पे, और वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, अपने कॉइन सेल कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट सेल कर सकते हैं, अपने आइडिया सेल कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है अपने न्यूज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इस तरह का पार्ट हमने इसके अंदर पावर एक्सेल के लिए दिया है। सो आई थिंक GDS के बारे में सब नॉलेज हो गई होगी आपको कि GDS है क्या। तो किसी क्वेश्चन है इसमें, है नहीं है किसी के, सब सबको नॉलेज हो गया, क्लियर हो गया है। तो GDS ये शायद पहला एक ऐसा GDS होगा जिसमें मल्टीपल मल्टी कॉइन मल्टी करेंसी मल्टी पेयर इसके अंदर हम लोग लाइव करने जा रहे हैं, और शायद आज लाइव भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो हमारा रेफरल प्रोग्राम है, जो इस पारो एक्सचेंज का बैकबोन बनेगा। नंबर वन, सबसे पहले पारो एक्सचेंज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पारो एक्सचेंज में कि जितनी भी फीस होगी वो ATC में पेपी किया जाएगी, फीस जो है वो ATC में पे होगी, क्योंकि ATC हमारी पहचान है, ATC मतलब पहला प्यार है, और पहले प्यार कोई नहीं भूलता है। उसी तरीके से ATC जो है इसको हमें आगे बढ़ाना है। अब इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका रेट कैसे बढ़ेगा। इसका रेट बढ़ेगा इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब हम सेल ऑर्डर लगाते हैं तो वहां फीस होती है 0.20%, ठीक है जी, और जब हम बाई ऑर्डर लगाते हैं वहां फीस होती है 0.20%। मैं एक ही ट्रांजेक्शन पे एक आदमी एक यूजर्स उसको बाई करता है एक सेल करता है, चीज एक ही होती है। टोटल कितनी रिवेन्यू होती है एक्सचेंज को, 0.40%, ठीक है जी। अब ये 0.40% की रिवेन्यू जनरेट हो गई। अब होने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर टर्नओवर बढ़ाया एक्सचेंज के ऊपर, वर्ल्ड वाइड में कस्टमर्स हमने जोड़े, 100 करोड़ कॉइन तक का हम अगर व्यापार करते हैं, हमको 0.40% की रेवेन्यू जनरेट होती है, तो हमारे पास में फीस के रूप में कितने कॉइन आए जी, कितने आए, कितने 40 लाख हमारे पास में 40 लाख कॉइन एज ए फीस आ गए। ATC कॉइन कितने हैं, 41 करोड़,
41 करोड़ एटीसी कॉइन है, उसमें से 100 करोड़ कॉइन का अगर हम टर्नओवर कर देते हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो हमारे पास 40 लाख कॉइन वापस आ गए। अब मैं बताता हूं कि अगर ये 100 करोड़ का टर्नओवर हम कितने टाइम में कर लेंगे, उससे आगे चलता हूं कि अगर मैं 1000 करोड़ कॉइन का टर्नओवर करता हूं, मेरे पास कितने कॉइन आते हैं? 4 करोड़। अगर मैं 10000 करोड़ का टर्नओवर करता हूं, तो मेरे पास कितने कॉइन आए? 40 करोड़। कॉइन कितने हैं टोटल? 40। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई। जब डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई तो अपने आप इसका प्राइस। अब बात आती है कि मैं 10000 करोड़ का टर्नओवर कितने दिन में अचीव कर लूंगा। हम भूल जाते हैं सारी कहानी को। अभी जैसे हरीश भाई बात कर रहे थे कि फोकस मेरा एक ही तरह का फोकस है, पारो एक्सचेंज एटीसी पर। मुझे अगर कोई दूसरी उधर उधर की बातें करते हैं तो मेरा कोई फोकस नहीं है, क्योंकि एक ही फोकस में अगर हम चलेंगे तो हम कामयाब हो पाते हैं। अदरवाइज तो क्या है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज आदमी सबसे बड़ा दुश्मन होता है लाइफ में। अगर कोई कंफ्यूज आपको मिल भी जाए ना, और वो कहते हैं चल मेरे साथ चल रहा है, चल रहा है कहीं घूमने के लिए, और कहते यार सोचता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, कहते किसी से मत पूछ। जो आदमी डिसीजन खुद नहीं ले सकता, कंफ्यूज है, वो आदमी जिंदगी भर आपको हैरान करता है। मतलब खुद के डिसीजन जो लेता है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे जो टारगेट सब सोच सकते हैं, अगर मैं 1000 BTC का व्यापार करता हूं पर डे, क्योंकि 300 BTC का टर्नओवर ATC ने एक दिन में अचीव किया था, और वो 15 करोड़ का था, वो इतनी हैवी बाइंग और सेलिंग हुई थी। 300 BTC अपने आप में बहुत मायने रखता है एक्सचेंज के ऊपर। अब मैं अगर 1000 BTC का पर डे करता हूं, आज एक 5 लाख रुपए का BTC है, तो कितने का टर्नओवर हुआ जी? सॉरी, 1000 × 50 करोड़ पर डे का बिजनेस अगर हम कर लेते हैं, तो 100 करोड़ अचीव करने में कितना टाइम लगेगा? दो दिन।